বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে, হ্যাঁ লাল ফেটি হলুক গেরুয়া ফেটি বলে, যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাড়রাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। नमस्कार, निशा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद कल्याण बैनर्जी द्वारा एक विवादित बयान दिया गया है, जिसके बाद वो विवादित बयान तुल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि माता सीता पर टिप्पणी करना उनको महंगा पड़ गया। सीतामढ़ी के जिला अदालत में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है। आइए जानते हैं क्या कुछ है FIR। सीतामढ़ी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश पांडे की अदालत में अधिवक्ता ठाकुर चंदन सिंह ने परिवाद दायर कर धारा 295A और 120B के तहत धार्मिक भावना आहत करना और आपराधिक षड्यंत्र रचने की साजिश के तहत मामला दर्ज कराया। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अभिवक्ता ठाकुर चंदन सिंह। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके तहत जो TMC का कोई सांसद है कल्याण बनर्जी, उन्होंने जो कहा कि जे सीता जी प्रभु श्री राम के पास गए और बोले कि मेरा सौभाग्य था कि रावण ने मुझे हरण कर लिया, वरना तुम्हारे अगर चेला लोग हमको अपहरण करते तो मेरा हस्त्र भी हथरस कांड जैसी होती। तो TMC सांसद कल्याण बनर्जी को बताना चाहिए था कि राम जी कोई गुंडा तो थे नहीं, और उनका चेला चपाटी कोई गुंडा था नहीं, न उनके राम राज में न उनके त्रेता युग में कभी ऐसा अपराध कारित हुआ। तो उन्होंने अपनी मुस्लिम तुष्टिकरण और मुस्लिम वोट बैंक को हथियाने के लिए जिस तरह का उन्होंने बयान दिया हिंदू के देवी देवताओं पर, जो कि राम जी हमारे आराध्य देवता हैं, उनकी पत्नी धर्मपत्नी सीता माता को पूरी दुनिया माँ मानती है, और एक माँ के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी करना कहीं से भी शोभनीय नहीं है। तो इस प्रकार से अभिवक्ता ने तृणमूल सांसद पे केस दायर किया है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।